व्हाट इज अप गाइस। तो एक दिन यूं ही मैंने आवारापनी की हद पार करने की ठानी और मैंने प्लान बनाया उत्तराखंड से गंगा नदी को फॉलो करते हुए उसके दूसरे छोर तक जाने का। तो मुझे प्रयागराज और वाराणसी होते हुए कोलकाता के निकट एक द्वीप में जाना था जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है और उस जगह का नाम है गंगा सागर। सबसे पहले मैं मुरादाबाद पहुंचा और ट्रेन के कुछ देर लेट होने के चलते मैंने शानदार आलिशान रूम लिया। उसके बाद मैं वहां से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। प्रयागराज पहुंचने में 12 घंटे का सफर था जो कि पूरा रात का सफर था, इसलिए ज्यादातर समय मैंने अपना सोते हुए बिताया। फिर जब तक मेरी नींद खुली तब तक हम पहुंच चुके थे गंगा यमुना के संगम में और पहले मैंने स्टेशन में बैठ के वहां चाय पानी किया और स्टेशन से बाहर निकलती मुझे 10 रुपए में मिल पड़े इतने सारे खीरे जिन्हें फिर मैंने मिल बांट के खाया। फिर मैं वहां से रवाना हो गया गंगा यमुना के दर्शन करने के लिए और नदी के तट पर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने कुछ देर वहां भ्रमण किया और देखा कि इस भीषण गर्मी में भी काफी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा यमुना के दर्शन करने के लिए। फिर वहां से नाव में सवार होकर मैं गया इस पवित्र संगम की एक सैर करने के लिए और वहां काफी समय मैंने व्यतीत किया इसकी शांति और खूबसूरती का आनंद उठाते हुए। तो ये था मेरी गंगा नदी को फॉलो करने वाली इस लंबी यात्रा का पहला पड़ाव। अब अगला पड़ाव है मेरा वाराणसी। यहां जाने के लिए प्रयागराज से ट्रेन पकड़नी थी तो मैंने उससे पहले थोड़ा भोजन का आनंद लिया और साथ साथ अपना मुंह भी जला लिया। फिर इस खचाखच भरी ट्रेन में कुछ घंटों का एक छोटा सा सफर तय करने के बाद मैं पहुंचा वाराणसी। यहां का रेलवे स्टेशन अपने आप में काफी अलग और सुंदर है क्योंकि उसे पूरी तरह से एक मंदिर का रूप दिया गया है। फिर स्टेशन से निकलकर ऑटो में सवार होकर मैं गया वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तरफ। रास्ते में रुका पान की दुकान में एक तंबाकू रहित बनारसी पान का आनंद उठाने के लिए और वहां भैया ने जो पान में शानदार कलाकारी करी उससे तो पान के स्वाद में चार चांद लग गए। फिर कुछ देर बनारस की गलियों में टहलने के बाद मैं पहुंच चुका था गंगा नदी के किनारे जहां गंगा नदी से मेरी एक बार फिर से मुलाकात हुई और नदी को देखकर मेरे दिमाग में सवाल आया कि जो पानी मैंने प्रयागराज में देखा था क्या वो अब तक यहां पहुंच चुका होगा। फिर कुछ देर इन सवालों में उलझने और घाट में टहलने के बाद मैं पहुंचा एक लस्सी की दुकान में जहां मैंने बिना कोई पेड़ पौधों का मिश्रण की हुई इस लस्सी का आनंद उठाया और फिर बनारस की बाजार से अपनी वेशभूषा परिवर्तन करने के बाद मैं सवार हुआ रेलगाड़ी में अपने अगले पड़ाव की तरफ जाने के लिए जो कि है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। एक 14 घंटे का सफर होने वाला है जिसमें मैं उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड को पार करते वेस्ट बंगाल में पहुंचूंगा। तो मैं सफर कर रहा था ट्रेन में और रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। फिर मैप खोल के मैंने देखा तो वाराणसी में मैं सोया होता और अब मैं पहुंच चुका था लगभग वेस्ट बंगाल। फिर ट्रेन रुकी धनबाद स्टेशन में और वहां मैंने थोड़ा जलपान ग्रहण किया और मेरी नींद पूरी हो ही चुकी थी तो मैं कुछ देर ट्रेन से बाहर के नजारों का आनंद उठाया। कुछ ही घंटों बाद मैं पहुंच चुका था कोलकाता के हावड़ा जंक्शन स्टेशन में और सामने ही खड़ा था 80 साल पुराना हावड़ा ब्रिज जिसको मैंने पैदल चल के पार किया। फिर कुछ देर कोलकाता में बेल्ला हांडने के बाद मैं पहुंचा कोलकाता मेट्रो की सैर करने और फिर जाके मैंने आनंद उठाया बंगाल के एक बहुत ही मशहूर मिष्ठान का जो कि है मिष्टी दोई। फिर खाई मैंने बहुत ही स्वादिष्ट फल और ये डोरा केक सी दिखने वाली चीज जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ। सुबह सुबह उठ के आलू पूरी खा के मैं निकल चुका था अपनी लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव गंगा सागर की तरफ। रास्ते में मैंने ट्राई किया अनजान खाद्य पदार्थ जो खाने में आलू और आंवले का मिश्रण लग रहा था। फिर कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद हम पहुंचे इस जगह पे जिसका नाम है हार्डवुड पॉइंट और ये जो नदी आप देख रहे हो ये हुगली नदी जो कि गंगा नदी का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो गंगा नदी का है वो है पद्मा नदी और वो बांग्लादेश की तरफ जाती है। फिर हमने नाव की टिकट लिए जिनकी कीमत केवल 9 रुपए थी। अब मुझे नाव में सवार होकर इस नदी को पार करते हुए जाना था सागर टापू में जिसके ठीक सामने है बंगाल की खाड़ी और इस नाव के सफर में मेरा साथ दिया अत्यंत उत्साहित परिंदों के झुंड ने। सागर टापू पहुंचने के बाद और इस भोराटे काटती हुई बस में कुछ देर और सफर करने के बाद मैं पहुंचा अपनी अत्यंत लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव यानी कि गंगा सागर घाट में जहां लगभग आधे भारतवर्ष से गुजरने के बाद गंगा नदी आकर मिलती है हिंद महासागर से और काफी दिनों तक गंगा नदी के साथ साथ यात्रा करते हुए इस स्थान में पहुंचने पर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव हो रहा था। फिर काफी देर तक समुद्र तट पे आती हुई हवाओं का लुत्फ उठाने के बाद मैं वापस रवाना हुआ कोलकाता की तरफ। तो आज मुझे ट्रेन में एक लंबी जर्नी करनी थी जो कि होने वाली थी पूरी 30 घंटे की और एक बार में इतनी लंबी ट्रेन की जर्नी मैंने आज से पहले कभी नहीं करी थी जिसकी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई और मैं पहले ही ट्रेन के लेट हो गया। लेकिन शुक्रिया हमारे बाइक वाले भैया का जिन्होंने टाइम पे मुझे रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया और मेरी ट्रेन में चढ़ने केवल कुछ ही क्षणों बाद ट्रेन कोलकाता से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई। अब मुझे लगभग 1.5 दिन इसी ट्रेन में बिताना था तो मैं ट्रेन के सफर का और ट्रेन में मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का लुफ्त एक साथ उठा रहा था और ट्रेन में पता नहीं क्यों तकिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने सारे कपड़ों को एक टी शर्ट में भर के एक जुगाड़ तकिया बना लिया था रात को सोने के लिए। फिर ज्यादातर टाइम सोते बिताने के बाद मैं फाइनली पहुंचा अपने घर। तो यही था अंत मेरे सफर का। अब आपको मिलता हूं मैं अगले सफर में अगली वीडियो के साथ।